हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला में विधानसभा द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर ई कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट और ई कमेटी सिस्टम के प्रति उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान कहा कि ई कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट को प्रदेश के 18 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों से इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश में एक मजबूत व प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सोमवार को विधानसभा द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर ई कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट और ई कमेटी सिस्टम के प्रति उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ई कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट को प्रदेश में 18 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है और जिला व उपमंडल स्तर पर कार्यालय प्रमुखों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि विधायकों की सहायता से लोगों की समस्याओं का समय पर निवारण हो सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वर्ष 2018 के दौरान ई विधान सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की गई। राजीव बिंदल ने कहा कि इस सॉफ्टवेयर में विधायकों को ई विधान मोबाइल और वेब डैशबोर्ड के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे विधायक अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से संबंधित विभिन्न पत्राचार और कार्यवाही की निगरानी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ई कमेटी सिस्टम को विधानसभा कमेटियों और सरकारी विभागों के मध्य कागज रहित पत्राचार के लिए विकसित किया गया है। राजीव बिंदल ने कहा कि इस सिस्टम के तहत हाउस कमेटियां संबंधित विभाग को मूल पत्र और ऑनलाइन रिमाइंडर भेज सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लंबित पड़े मामलों, पिछले रिकॉर्ड, रिपोर्ट और सुझाव ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। विधानसभा की ओर से हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ एक बैठक संपन्न हुई, जिसका विषय जहां ई विधान को आगे बढ़ाना है, वहीं ई कमेटी, हमारी विधानसभा की जो कमेटियां हैं उनका सारा का सारा कार्य और सीधा सीधा ऑनलाइन हो, डिजिटल हो, रिप्लाइज भी डिजिटल हो और उसके अंदर भी हम कागज़ का काम लगभग समाप्त करें, इस दिशा में एक इनिशिएटिव लिया है और सेक्रेटरीज को सेंसिटाइज करने के लिए और उनको आग्रह करने के लिए आज का कार्यक्रम रखा था। 18 विधानसभाओं में पिछले साल ई कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी थी, वो जिला लेवल के और सब डिविजनल लेवल के अधिकारियों को यूज़र आईडी पासवर्ड जारी किया था। कुछ स्थानों पर अच्छी कामयाबी मिली है, कुछ स्थानों पर कम कामयाबी मिली है। इस दिशा में भी जो प्रदेश को हेड करने वाले ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करते हुए और उनकी तरफ से जिला और सब डिविजनल स्तर के ऊपर ई विधान और ई कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों विषयों को बखूबी निभाया जाए, यह लक्ष्य लेकर के आज की बैठक रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।